दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बनवाने से पहले उसकी प्लानिंग कैसे करें। आप अगर घर बनवाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग बेहद ही ज़रूरी होती है कि अगर आप प्लानिंग के साथ घर बनवाते हैं कि पहले किन कामों को फिनिश करना है तो उसके साथ आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचता है। तो आपको मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं अपने घर बनवाने के समय तो आप पैसा के साथ साथ टाइम की बचत करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ घर की प्लानिंग। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो घर की प्लानिंग करने के लिए बेहद कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आपका ये है कि घर को बनवाने से पहले उसका मैप आप जरूर क्रिएट करवाएं, आप उसका नक्शा बनवाएं। और नक्शा बनवाने के बाद सेकेंड स्टेप है, और दोस्तों मैं बता दूं अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपके घर के मैप तैयार किए जाते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला स्टेप है घर का नक्शा बनवाएं। सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको घर का नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर नगर निगम जो होता है वो घर के नक्शे को पास करता है। तो आपको नगर निगम जाना पड़ता है अपने घर के लेआउट को लेकर, मतलब नक्शे को लेकर, और वहाँ पर पास करवाना होता है और आप अपने वहाँ के जो इंजीनियर होते हैं वो सर्वे करते हैं, तो उसका आप सर्वे करा लें। अगर आप छोटी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो इन स्टेपों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहां पर आपको नगर निगम से घर को पास करवाना पड़ता है नक्शे को, और इसके बाद सर्वे कराना पड़ता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप की बात करते हैं हम, तो दोस्तों जो थर्ड स्टेप है, प्लाट की सबसे पहले आपको सफाई करवानी आवश्यक होता है। सफाई कराने के बाद आपका जो लेआउट होता है, जो आपका नक्शा बना, वो आप किसी भी वाइट कलर से उसका पूरा लेआउट क्लीन करा लें, मतलब क्रिएट करवा लें। आपने सफाई करवा ली प्लाट की, इसका लेआउट को वहाँ पर क्रिएट करवा लें। और फोर्थ स्टेप है, अब आता है न्यू खुदाई का। आप अपने जो भी आप घर बनवा रहे हैं तो उसके न्यू होती है, जो पिलर होते हैं उनकी खुदाई करानी पड़ती है। ये दोस्तों आप JCB के माध्यम से भी करवा सकते हैं या लेबर के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये चौथा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हम बात करते हैं पिलर। अब बनने की आती है कंक्रीट के, दोस्तों पिलर आप बनवाएं, जो भी आप पिलर बनवाते हैं, और साथ ही साथ जो नीचे आपकी बीम पड़ने वाली है, जो उसका बेसमेंट बनता है, वो भी आप बनवा लें। पिलर और नीचे वाली बीम्स एक साथ आपको डलवाना चाहिए क्योंकि इसमें मजबूती ज़्यादा रहती है। सिक्स स्टेप है, अब दीवार बनवाने का काम शुरू करें। जब आपका दोस्तों पिलर और बेसमेंट बन जाता, अब आप दीवार बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना, दीवार जब भी आपको खिड़की और विंडो डोर और खिड़की लगवानी हो तो दीवार बनवाने के साथ साथ आपको इन चीज़ों को लगवाना है। सपोज दैट आपका 6 फीट पे गेट लग रहा है तो इसके बाद 6 फीट के बाद आपको हल्की सी एक छोटी सी बीम डलवानी होती है। आप बीम अवश्य डलवाएं क्योंकि इससे आपका दरवाजों और खिड़कियों पर लोड नहीं आता है। आपने दरवाजे खिड़की रख दे, उसके ऊपर डायरेक्ट अगर आप छत बनवाते तो उस पर पूरा लोड दरवाजों और खिड़कियों पर रहता है। तो इसके लिए आप उस पर एक बीम वगैरह डलवा दें हल्की सी, जिससे आपका उस पर लोड ना हो। सेवन्थ स्टेप की बात करते हैं, जब बीम आप बनवा लेते हैं तो इसके बाद ऑप्शन, जब सारी दीवारें आपकी बन जाती हैं छत के, तो आपको छत बनवानी चाहिए। जब आप कंक्रीट की छत बनवा रहे हों तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप जो भी वायरिंग का काम करवाना चाहते हैं अपने घर में तो छत की वायरिंग करवा लें। अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करवाना चाहते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको अंडरग्राउंड वायरिंग करवानी है, घर में लाइटिंग सिस्टम रखना है, या विदाउट अंडरग्राउंड करवाना है। तो आप छतों पर जो भी वायरिंग के पाइप होते हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक डलाएं क्योंकि वायरिंग में फिर बहुत टाइम मिलता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि तो छतों में वायरिंग के पाइप डलवाएं बहुत ही आसानी से। इसके बाद दीवार बन जाती है और अब आप छत डलवा सकते हैं। छत डलने के बाद दोस्तों जो स्टेप होता है, आप अपने घर की वायरिंग का, जहां पर आप वायरिंग अगर करवाते हैं तो दीवारों को काटा जाता है अंडरग्राउंड में मशीनों के द्वारा, तो आप अपनी वायरिंग का पूरा काम फिनिश करवा लें प्लास्टर के पहले, क्योंकि अगर आप प्लास्टर करवा देते हैं तो फिर आपकी दीवारें कटेंगी, प्लास्टर दोबारा से वहाँ पर करना पड़ेगा तो वो काफ़ी भद्दा लगता है। तो इसलिए आप दीवारें लेंटर वगैरह जब पड़ जाता तो आप वायरिंग का काम पूरा फिनिश करवा लें। अब दोस्तों वायरिंग का काम होने के बाद
अभी अब आपको फर्श की बात आती है, फर्श में आप फ्लोर पर टाइल्स लगवाना चाहते हैं, क्या लगवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है, आप अपने घर की प्लम्बरिंग का काम पूरा अवश्य करवा लें। प्लम्बरिंग का मतलब है जो आप टंकी रखवाएंगे उससे पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ पर होगी, मतलब जितना भी कटने वाला काम है। जैसे प्लम्बरिंग में क्या होता है, प्लम्बरिंग के जो पाइप होते हैं पानी वाले पाइप, वो अंडरग्राउंड मतलब कि आपके फर्श से होकर जाते हैं, तो उसको काटना पड़ता है। तो लेकिन टाइल्स लगवाने से पहले आप प्लम्बरिंग का काम करवा लें, वायरिंग का काम करवा लें। इसके बाद ऑप्शन दोस्तों बचता है दीवारों पर प्लास्टर और फ्लोर पर टाइल्स वगैरह आप लगवाएं, अगर लगवाना चाहते हैं दीवारों पर प्लास्टर करवा लें, फ्लोर्स लगवा लें। इसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट का, आप अपने घर पे आप पुट्टी वगैरह करवा सकते हैं। पुट्टी कराने के बाद आपको पूरे जितने भी आपके खिड़की डोर दरवाजे जो भी वो सभी लगवा लें, और इन चीज़ों को लगवाने के बाद अब आप अपने घर में लाइटिंग, नल, दरवाजे, खिड़की सभी चीज़ें लगवा सकते हैं। और इसके बाद फाइनल स्टेप होता है अपने घर की पोताई, मतलब कि अपने घर पे कलर करवाएं, जिस भी कलर को आप करवाना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लें और पेंटर से अपने घर को एक बेहतरीन घर तैयार कर लें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका घर कम टाइम में और कम पैसे में बनकर रेडी हो जाता है। इन स्टेप्स का खासा ख्याल रखें घर को बनवाने समय। तो ये पूरे जो मैंने स्टेप बताया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइप का घर का नक्शा बनवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।